वेलकम पजल के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हम स्पेशली मैथमेटिकल पजल जो कि केसलेट के शेप में है उस पर बात करेंगे। तो आइए पहले हम इसे रीड करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायरेक्शंस 1 to 4। मिस्टर शर्मा हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 4 कंपनीज नेमली टैंग, टैब, एक्ट एंड टैग। तो मिस्टर शर्मा ये 4 कंपनीज एक्वायर किए हैं, ठीक है। अब इसे रीड करते हैं। When the results of the companies for 1 year was placed before him, he found a few interesting things. The profits of Act and Tad were the same. The sales of Act were the same as those of Tan. Profits of Tan were 10% of its sales, while the profit of Tab were 20% of its sales. The total expenses of Act were 5 times of its profit, while the sales of Tad were 3 times its profits. Total expenses of Act were rupees 10 lakh. Total expenses of Tan were 10% less than those of Act. Profits are defined as the difference between sales and total expenses. तो इसमें हमें दिया है sales दिया है यानी income, expenses दिया है यानी expenditure और profit दिया है, ठीक है। तो profit का मतलब income minus expenditure है इसमें, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, सबका प्रॉफिट दिया है ना, सबका प्रॉफिट दिया है परसेंटेज वैल्यू में, कहीं एक्स मान के बनाएंगे कहीं वाई मान के, ठीक है। तो ये 4 कंपनीज है, तो इनके नाम लिख देते हैं, टैन, टैब, एक्ट एंड टैड, एक्ट एंड टैड। तो ये 4 कंपनीज है, ठीक है। अब हमें पता है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, हाँ। तो इनका सेल्स पहले आएगा, सेल्स यहां पे लिख देंगे, माइनस एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस लिख देते हैं, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेल्स यहां लिखेंगे, एक्सपेंसेस यहां, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर, ओके। तो अब रीड करना स्टार्ट करते हैं यहां से। व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर का जब रिजल्ट मिला, वाज प्लेस्ड बिफोर हिम, मिस्टर शर्मा के पास जब रिजल्ट आया, ही फाउंड अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स, उन्हें इंटरेस्टिंग थिंग्स पता चले, देखते हैं क्या। द प्रॉफिट्स ऑफ एक्ट एंड टैड वेयर द सेम, तो एक्ट और टैड का प्रॉफिट सेम है। तो मान लेते हैं लेट द प्रॉफिट बी एक्स, तो एक्ट का प्रॉफिट हो गया एक्स, एक्स और टैड का भी एक्स, जो कि इन दोनों का प्रॉफिट इक्वल है, ओके। अब द सेल्स ऑफ एक्ट वेयर द सेम एज दोज ऑफ टैड, तो एक्ट का जो सेल्स था वो टैड के सेल्स से इक्वल है, एक्ट का जो सेल्स है वो टैब के सेल से इक्वल, तो इसे y मान लेते हैं, तो y, इसे भी y, लेट द सेल्स बी y, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ टैन वेयर 10% ऑफ इट्स सेल्स, प्रॉफिट्स ऑफ टैन, टैन का जो प्रॉफिट है वो उसके सेल्स का 10% है, तो लेट द सेल्स बी z, Z का 10%, तो 10% ऑफ Z, तो अभी इसे सॉल्व नहीं करते हैं, यहां लिख देते हैं 10% ऑफ Z, ठीक है। तो अब हमें पता है Z माइनस Y माइनस Y माइनस दिस कुछ यहां पर इज इक्वल टू 10% ऑफ Z, इज इक्वल टू यहां कुछ होगा इक्वल टू X, इक्वल टू यहां X, यहां पता नहीं क्या है, ठीक है। While the profit of Tab were 20% of its sales, तो Tab का जो profit है वो sales का 20% है, profit Tab का वो sales का 20% है, तो 20% of Y यानी 1/5 of Y
यानी y बाय फाइव। तो y बाय फाइव प्रॉफिट y बाय फाइव है। अब द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एक्ट वेयर फाइव टाइम्स ऑफ इट्स प्रॉफिट। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एक्ट, एक्ट का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो फाइव टाइम्स है प्रॉफिट के। एक्ट का एक्सपेंसेस प्रॉफिट के फाइव टाइम्स, तो फाइव एक्स, फाइव एक्स। अब नेक्स्ट, व्हाई द सेल्स ऑफ टैड वेयर थ्री टाइम्स इट प्रॉफिट। तो जो टैड का सेल्स है, सेल्स उसके प्रॉफिट का थ्री टाइम्स है, यानी थ्री एक्स, थ्री एक्स। अब हमें ये पता चलता है कि y माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू x, तो फाइव एक्स को इधर भेजते हैं, तो सिक्स एक्स, वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स ना, तो सारे y को हटा के सिक्स एक्स क्यों ना लिखते, है ना, ताकि आसानी हो। तो ये हो गया सिक्स एक्स, आ रहा है ना, सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी हो गया सिक्स एक्स, और y ये भी सिक्स एक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एक्ट वेयर रुपीज 10 लाख। तो एक्ट का जो एक्सपेंसेस है वो 10 लाख है। एक्ट एक्सपेंसेस जो है 10 लाख है, मींस 5x इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10L लिख देते हैं, इसमें लाख की जगह हम हर जगह L लिख देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 लाख हुआ ना, 3 लाख। अब जहां जहां x का पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ x x है, 2 लाख 2 लाख, इसे हम 2 लाख कर देते हैं, 2 लाख, ये भी 2 लाख। ओके, 3x है और 6x है, यहां भी 6x है, तो 3x यानी 6 लाख, 6 लाख, और इसका डबल 12 लाख, और ये भी 12 लाख, यहां भी 6x है, ये भी 12 लाख, ये 12 लाख बाय 5, तो 12 बाय 5 है ना, इसे हम बोलेंगे 24 बाय 10। इसे इंटू 2 किया, इसे इंटू 2 किया, और 1 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 2.4, तो निकल गया ये 2.4 है, 2.4 लाख। अब 12 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 2.4 लाख, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 12 लाख आएगा, ये हमें देखना है। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 12.4, 10 से 0.4 कम, 9.6 लाख, 9.6 लाख। यहां 6 लाख माइनस व्हाट इज इक्वल टू 2 लाख, तो ये 4 लाख। ये 5x इज इक्वल टू व्हाट, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है, 12 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू दिस, तो ये 10 लाख। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ टैन वेयर 10% लेस देन दोज ऑफ एक्ट। एक्ट का जो एक्सपेंसेस है उससे 10% लेस है टैन का, टैन का एक्ट का, इसका 10% लेस। हमें पता है ये 100% है, 10% हुआ ये 1 लेस, इसमें से 90% होगा, तो 9 लाख। ओके, अब लास्ट प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज, ये लाइन तो हो गया, अब बचा गया जेड का वैल्यू निकालना, तो जेड का वैल्यू निकालना, बाकी सब तो निकल गया। अब हमें पता है जेड माइनस 9L इज इक्वल टू 10% ऑफ जेड, तो क्यों ना जेड को 100% मान ले, 100% माइनस व्हाट इज इक्वल टू 10%, तो 90%, दैट मींस 9L इज इक्वल टू 90%, 9L है 90%, तो 100% क्या है 10L, तो 10% ऑफ जेड हुआ 100%, 10L है, जेड को हमने 100% माना था, तो जेड का 10L हो गया 10 लाख, और 10 लाख ये 10% चाहे निकाल लीजिए चाहे माइनस कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 लाख, 1 लाख। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, और अब आइए इसके हेल्प से इसकी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं।
तो आइए अब इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैड द लोएस्ट सेल्स। तो लोएस्ट सेल्स किस कंपनी का, तुरंत देखिए टैड का सिक्स है, टैड, सो टैड इज द आंसर। ठीक है, अब नंबर टू, विच कंपनी हैड द हाईएस्ट टोटल एक्सपेंसेस। हाईएस्ट टोटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हाईएस्ट देखिए 10 लैक्स ये एक्ट का, सो दिस वन इज द आंसर। अब विच कंपनी हैड द लोएस्ट प्रॉफिट। लोएस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट देखिए लोएस्ट किसका है, 1 लाख इसी का है, सो 10, सो 10 इज द आंसर। अब देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट। हाईएस्ट प्रॉफिट किसका हुआ, इसका 2.4 लाख का, 2.4 लाख, टैब, सो टैब इज द आंसर। तो इस तरह से ये पजल सेट समाप्त होता है और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपके साथ अपनी जानकारी शेयर करते रहूंगा। थैंक यू।